जैसे कि हमने वेब होस्टिंग में देखा कि बहुत सारे हम लोग को यहाँ पे क्या मिलते हैं, सर्विसेज मिलते हैं। मतलब एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर होता है जहाँ पे हम लोग को अलग अलग टेक्नोलॉजीज के हिसाब से अलग अलग सर्विसेज मिलती है। तो यहाँ पे कुछ वेब होस्टिंग के सर्विसेज यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि अगर हम लोग जब भी वेब होस्टिंग खरीद लेते हैं, ठीक है, हम लोग ने कोई भी वेबसाइट में जाके यहाँ पे वेब होस्टिंग खरीद लिया, मान लो कल जैसे मैंने गोडैडी का दिखाया, गोडैडी वेबसाइट से जाके हम लोग वेब होस्टिंग परचेज कर लिए, ठीक है, वेब होस्टिंग अकाउंट मिल गया, उसे मान लो 25 GB का स्पेस मिल गया, ठीक है, तो वहां पे हम लोग को इतनी सारी सर्विसेज मिलती है, ठीक है। कौन कौन सी सर्विसेज मिलती है? FTP फाइल अपलोड, मतलब उसमें हम लोग HTML फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, या कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल हम लोग अपलोड कर सकते हैं, इस टाइप के हम लोग फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। फिर उसमें ईमेल अकाउंट्स हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट बिल्डिंग टूल हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट बिल्डिंग टूल हम लोग को मिल जाता है जिसके थ्रू हम लोग वेबसाइट्स बना सकते हैं इजीली, ठीक है। और यहाँ वेबसाइट को होस्ट करने की सर्विसेज मिलती है, साथ में यहाँ पे हम लोग को मिलता है डेटाबेस, ठीक है, तो डेटाबेसेस भी हम लोग यहाँ पे बना के अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी सर्विसेज यहाँ पे मिलती है, और भी बहुत सारी सर्विसेज आज के डेट में मिलती है, ठीक है, मतलब जैसे कि MySQL हो गया, बहुत सारी वहाँ पे टेक्नोलॉजीज भी इनबिल्ट हम लोग को आजकल वेब होस्टिंग में मिल जाती है, ठीक है। तो बेसिक ये जो यहाँ पे सर्विसेज है वो बेसिक हर वेब होस्टिंग में हम लोग को मिल जाती है, ठीक है। सभी वेब होस्टिंग जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब कोई लिनक्स वेब होस्टिंग होता है, कोई माइक्रोसॉफ्ट वेब होस्टिंग होता है, इस टाइप से अलग अलग टाइप के वेब होस्टिंग भी आते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ इसकी सर्विसेज जो हम लोग को मिलती है, ठीक है। हियर आर सम फीचर्स यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम योर वेब होस्टिंग प्रोवाइडर, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे है ईमेल अकाउंट, ठीक है। ईमेल अकाउंट यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं जितना मन चाहे, हम लोग ईमेल अकाउंट खुद के नाम से बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग के पास जो ईमेल अकाउंट है, ठीक है, dhirendra@saicollege.in, ये मेरा ऑफिशियल ईमेल अकाउंट है जिसको हम लोग ऑफिशियल जगह पे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि एश मेंशन अर्लियर, मोस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर रिक्वायर्स यूजर्स टू हैव देयर ओन डोमेन नेम विद अ डोमेन नेम, एग्जाम्पल जैसे मान लो www.saicollege.com है, ठीक है। तो ये जो हमने वेबसाइट के लिए एक डोमेन परचेज किया, ठीक है, वो हम लोग को क्या प्रोवाइड करेगा, एक ईमेल अकाउंट सर्विस भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एंड ईमेल अकाउंट फीचर प्रोवाइडेड बाय द होस्टिंग कंपनी, ठीक है। ईमेल अकाउंट्स भी बनाने का यहाँ फीचर हम लोग को कौन देगा, जो भी होस्टिंग हम लोग लेंगे, जिससे भी होस्टिंग लेंगे वो हम लोग को सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यू कैन क्रिएट डोमेन ईमेल अकाउंट्स, एग्जाम्पल योर नेम @saicollege.com, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं अपना लिख देता हूँ, ठीक है, dhirendra@saicollege.in है, ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग इन कर लेते हैं, तो ये मेरा ऑफिशियल ईमेल अकाउंट है, ठीक है, जिसको saicollege.in के डोमेन पे बनाया गया है। वैसे हमारे कॉलेज में जितने भी फैकल्टीज हैं, जितने भी स्टाफ्स हैं, सबका इसी प्रकार से ईमेल आईडी दिया हुआ है जिसको हम लोग ऑफिशियल जो भी हम लोग को मेल्स करने होते हैं उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के आप लोग भी अगर अपना अगर कोई भी डोमेन लेते हो या वेब होस्टिंग लेते हो, तो वहाँ पे अपने नाम से यहाँ पे हम लोग ईमेल आईडी बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग को कोई भी, जैसे मान लो साई कॉलेज एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग अगर मान के चलिए कुछ मान के चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ईमेल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे कैसे हम लोग ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, लाइक info@saicollege.in, ठीक है, और यहाँ पे मान लो जैसे पर्सनल यहाँ पे, ठीक है, तो मेरा नाम से dhirendra@saicollege.in, ठीक है। अगर कोई न्यू स्टाफ ज्वाइन करता है उसके नाम से भी यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। ऐसी अलग अलग टाइप से यहाँ पे क्या बनाया जाता है, ईमेल आईडी बनाया जाता है, ठीक है। तो ये ईमेल आईडी कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये डोमेन के थ्रू वेब होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है।
तो डोमेन और वेब होस्टिंग दोनों आपस में लिंक होगा तभी ये हम लोग को ईमेल अकाउंट की सर्विसेज यहाँ पे मिल पाएगी। ठीक है, तो ईमेल अकाउंट भी हम लोग अगर वेब होस्टिंग लेते हैं तो वहां से हम लोग अपने डोमेन के नेम से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ऑफिशियली इस ईमेल आईडी से अगर मैं मेल करता हूँ कहीं पे भी तो उसको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे साई कॉलेज में वर्किंग हूँ। ठीक है, और ये मेरा ऑफिशियल मेल है। ठीक है, तो डोमेन से अगर हम लोग ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं तो उससे हम लोग का एक प्रोफाइल बनता है। प्रोफाइल मतलब क्या होगा, जैसे कि मान के चलो मैं कोई भी आप लोग का एक नेम है, जैसे मान लो ठीक है, मान लो दुर्गा है। ठीक है, तो दुर्गा अगर मैं कोई भी एक ऐसा डोमेन लेता हूँ www.durgasinha.com, ऐसा मैंने कोई भी एक डोमेन ले लिया और वेब होस्टिंग भी मैंने ले लिया, इस वेबसाइट को मैंने होस्ट कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसमें बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे ले दूंगा info@durgasinha.com, ऐसा मैं ईमेल आईडी बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये ईमेल आईडी हम लोग बना सकते हैं। तो इससे क्या पता चलेगा कि हमारे पास एक पर्सनल हमारी एक वेबसाइट है और उसका ये ईमेल आईडी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जनरली जानते हैं जीमेल, याहू, ये सब जानते हैं। ठीक है, हम लोग ने उसके डोमेन पे अकाउंट बनाया होगा। gmail.com का एक डोमेन, उसके डोमेन पे हमने क्या बनाया, अपना ईमेल अकाउंट बनाया होगा, लेकिन वैसा हम यूज नहीं करना चाहते, हम अपना यूज करेंगे। ठीक है, हम अपना वेब होस्टिंग ले लिए हैं तो हम अपना ही यूज करेंगे, अब हम जीमेल यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, हमारा एक ब्रांड बनेगा, हमारा एक प्रोफाइल बनेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जब भी कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं वेबसाइट हम लोग बनाते हैं, वेबसाइट के साथ में होस्टिंग हम लोग लेते हैं। ठीक है, और होस्टिंग से ही हम लोग ईमेल अकाउंट भी बनाते हैं। ठीक है, सेकेंड होता है FTP एक्सेस। FTP मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको हम लोग बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो हम लोग को फाइल्स अपलोड करना और डाउनलोड करने की फैसिलिटी देता है इंटरनेट पे। ठीक है, ये एक प्रकार का एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है जो हम लोग को इंटरनेट पे फाइल्स अपलोड करने का और डाउनलोड करने का परमिशन देता है। ठीक है, अगर हम लोग के पास FTP नहीं होगा, ठीक है, अगर हम लोग कोई ऐसा वेब होस्टिंग ले लिए जो FTP की सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग ना उसमें फाइल्स को अपलोड कर पाएंगे ना ही उसमें फाइल्स को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो वेबसाइट में फाइल्स को अपलोड करना, डाउनलोड करना, सारी फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, FTP प्रोवाइड करता है। ठीक है, यूजिंग FTP यू कैन अपलोड फाइल्स फ्रॉम योर लोकल कंप्यूटर टू योर वेब सर्वर। ठीक है, हम लोग अपने लोकल कंप्यूटर से वेब सर्वर में हम लोग फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। इफ यू बिल्ड योर वेबसाइट यूजिंग योर ओन HTML फाइल्स, यू कैन ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम योर कंप्यूटर टू द वेब सर्वर वाया FTP। हम लोग यहाँ पे बहुत सारे FTP क्लाइंट यूज करते हैं, जैसे क्यूट FTP, फाइलजिला, ऐसे बहुत सारे हम लोग यहाँ पे फाइल्स को अपलोड करने के लिए FTP क्लाइंट यूज करते हैं। वैसे वेब होस्टिंग में पहले से हम लोग को FTP क्लाइंट मिल जाता है। ठीक है, पहले से हम लोग को मिल जाता है, फाइल मैनेजर पहले से रहता है, तो हम लोग उसमें इजीली फाइल को अपलोड कर सकते हैं, अलाउंग योर वेबसाइट टू बी एक्सेस वाय द इंटरनेट। ठीक है, अगर हम लोग अपने होस्टिंग में फाइल्स को अपलोड कर देते हैं तो क्या होता है, हम लोग उस वेबसाइट को ओवरऑल वर्ल्ड में कहीं से भी हम लोग इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे गूगल ड्राइव होता है, गूगल ड्राइव क्या करता है, गूगल ड्राइव भी क्या है, गूगल का प्रोडक्ट है। उसने क्या किया, एक इसी प्रकार का एक होस्टिंग बना के रखा है जिसमें हम लोग को 15 GB का स्पेस दे देता है, और हम लोग क्या करते हैं उसको कोई भी फाइल्स को अपलोड करके रखते हैं, और हम लोग को जहां मन जाए हम लोग अमेरिका में भी जाके उसको ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं,
फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का भी हम लोग अपने वेब होस्टिंग में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वर्डप्रेस सपोर्ट। ठीक है, अब वर्डप्रेस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा टूल है जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा इजीली वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजीली वेबसाइट हम लोग बना सकते हैं। अगर मैं इसको दिखाऊं आप लोग को, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस, ठीक है, वर्डप्रेस इस टाइप का होता है। wordpress.com में चले जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स पहले से मिल जाते हैं। ठीक है, देखो, स्टार्ट योर वेबसाइट करेंगे, यहाँ पे हम लोग को बहुत सारी चीजें पहले से मिल जाती है। ये एक प्रकार का ऐसा वेबसाइट बिल्डर है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे टूल्स पहले से मिलते हैं, बहुत सारी चीजें पहले से मिल जाती है। तो वेब होस्टिंग जो होता है वर्डप्रेस को डायरेक्टली सपोर्ट करता है, मतलब ये फीचर जो इस वेबसाइट में हम लोग को मिलती है, सेम फीचर्स हम लोग को अपने वेब होस्टिंग पे भी मिल जाती है, वहां से भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर मैं दिखाऊँ इसको, तो हम लोग स्टार्ट योर वेबसाइट में यहाँ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को लॉग इन वगैरह थोड़ा करना पड़ता है। मैं यहाँ गूगल से लॉग इन कर देता हूँ। ठीक है, लॉग इन कर दिए यहाँ पे हम लोग। जैसे मान लो यहाँ पे मैं करता हूँ धीरेन्द्र पराते .com। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो रिकमेंडेड। ठीक है, यहाँ पे मैं जिसको अगर मान लो सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग को वर्डप्रेस की साइट पे मिलेगा। अब कैसे मिलेगा यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है फ्री फॉर द फर्स्ट ईयर। ठीक है, यहाँ पे होस्टिंग हम लोग को फ्री मिल जाएगी, तो धीरेन्द्र परार्थे .wordpress.com इस टाइप से मिलेगा और ये फ्री रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे कुछ चार्जेस करने के लिए बोलेगा। यहाँ पे देख लो, ये हम लोग को होस्टिंग के चार्जेस है यहाँ पे। ठीक है, प्रीमियम है $8 पर मंथ, बिजनेस $25 पर मंथ, ई कॉमर्स $45 पर मंथ। ठीक है, इस टाइप के होस्टिंग यहाँ करने के लिए मिलता है। अगर हम लोग ये पे कर देंगे तो हम लोग को डोमेन फ्री मिलता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे होस्टिंग के चार्जेस पे करने होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग फ्री में भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया, तो इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम लोग को मिलती है। ठीक है, नेम योर साइट है, बहुत सारी चीजें हम लोग को मिल जाती है। ठीक है, बस इसमें हम लोग को पूरी सेटिंग्स करनी होती है और हमारा जो वेबसाइट है वो बन के तैयार हो जाता है। अगर मैं इसको विजिट साइट करूँ यहाँ पे, तो मेरा जो वेबसाइट है यहाँ पे दिखेगा। अभी देखो धीरेन्द्र पराते .wordpress.com। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे अपना साइट का टाइटल भी नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला है यहाँ पे। ठीक है, ये एकदम रॉ है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो हम लोग इसमें कुछ कुछ सेटिंग वेटिंग करके आराम से अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वर्डप्रेस में बनी हुई है, ये प्योर HTML में नहीं होती है, ये बहुत अलग टेक्नोलॉजी है। ठीक है, लेकिन HTML को से अगर हम लोग बनाएंगे तो हम लोग को बहुत इजी रहेगा, और जो हमारा वेबसाइट है बहुत फास्ट खुलता है। ये वर्डप्रेस में जितना ज़्यादा यहाँ पे हम लोग फीचर्स डालते जाएंगे, जितने ज़्यादा ज़्यादा यहाँ कंटेंट डालते जाएंगे, वेबसाइट स्लो होते जाएगा। ठीक है, तो हमारे होस्टिंग में ये वर्डप्रेस जैसी सुविधा भी हम लोग को मिल जाती है। ठीक है, तो वर्डप्रेस जैसी सुविधा मिल रही है तो क्या होगा, हम लोग बहुत इजीली हम लोग ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, वर्डप्रेस इज एन ऑनलाइन वेबसाइट क्रिएशन टूल, इट इज अ पावरफुल ब्लॉगिंग एंड वेबसाइट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम विच इज अ कन्वीनियंट वे टू क्रिएट एंड मैनेज अ वेबसाइट। ठीक है, अगर हम लोग को कोई भी ऐसा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम मतलब क्या होता है कि हम लोग कोई भी कंटेंट को रखना चाहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग फेसबुक पे रखते हैं, फेसबुक में हमने एक पोस्ट डाला और रख दिया उसको। ठीक है, वो पोस्ट जो है वो सालों साल अवेलेबल होता है। वैसे ही अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने वेबसाइट में डेली कोई ना कोई कंटेंट डालें, जैसे न्यूज़ पोर्टल है, न्यूज़ पोर्टल क्या है, एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, आप लोग भी अगर प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें भी
न्यूज़ रिलेटेड भी एक वेबसाइट बना सकते हो जिसमें कि बहुत सारे न्यूज़ वगैरह दिखेंगे। तो वर्डप्रेस में यहाँ पे हम लोग अगर इंटरनेट की बात करें तो बहुत सारी ऐसे वेबसाइट, मतलब 25% वेबसाइट्स जो हम लोग को देखने मिलती है वो वर्डप्रेस में देखने मिलती है। ठीक है, बहुत सारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स भी जो है वर्डप्रेस में बनाई जाती है और उसको होस्ट किया जाता है, जिससे हम लोग को कोडिंग वोडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, बिना कोडिंग किए भी हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग को वर्डप्रेस मिलता है। हम लोग को इसमें कोई HTML की कोडिंग नहीं लगती है, कोई भी चीज़ की कोडिंग यहाँ नहीं, तो सब चीज़ पहले से बना होता है। ठीक है, बस हम लोग को कुछ कुछ सेटिंग करना होता है। जब बस एक चीज़ है, जब हम लोग इसकी पूरी सेटिंग कर लेंगे, फाइनल हम लोग का वेबसाइट बन जाएगा। ठीक है, हम लोग बहुत दिन मेहनत करेंगे और वेबसाइट पूरा बना लेंगे, लास्ट में हम लोग से पैसा मांगेगा। ठीक है, $25 मांगेगा, $100 मांगेगा, इस टाइप से हम लोग को पे करके उस वेबसाइट को डाउनलोड करना होता है और उसको होस्ट करना होता है। ठीक है, अगर हम लोग अपने वेबसाइट में, मतलब अपने होस्टिंग में उसको होस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग को पे करना पड़ता है। ठीक है, तो वर्डप्रेस जो होता है वो जनरली PHP वर्जन 7 और हायर वर्जन को सपोर्ट करता है और MySQL डेटाबेस को भी सपोर्ट करता है, जिसके थ्रू हम लोग का जो वेबसाइट है वो हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में रहेगा। ठीक है, और जो डेटाबेस भी है वो भी हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हम लोग को मिलेगा। तो ये एक प्रकार का बहुत पावरफुल ब्लॉगिंग और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसके थ्रू हम लोग अपने कंटेंट को बहुत अच्छे से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग यहाँ देखते हैं वेबसाइट वेब होस्टिंग सर्विसेज के टाइप्स। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप के यहाँ पे हम लोग को मिल जाते हैं। सबसे पहला आता है यहाँ पे वेबसाइट बिल्डर। ठीक है, वेबसाइट बिल्डर जो मैंने अभी बताया वर्डप्रेस के बारे में जो मैंने बताया उसी को हम लोग बोलते हैं वेबसाइट बिल्डर। ऐसे ही अगर हम लोग इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट बिल्डर हम लोग को मिल जाते हैं, जिसके थ्रू हम लोग इजीली वेबसाइट हम लोग बना सकते हैं। लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजीज जो है वो कोडिंग का यूज नहीं करती है, उनके पास जो चीजें अवेलेबल होती है, ठीक है, कोडिंग सारे वही करेंगे लेकिन हम लोग को उनके हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक है, जो वेबसाइट बिल्डर जो हमें फीचर देगा, ठीक है, उसी को हमको यूज करना होता है। मतलब हम लोग एक लिमिटेड चीजें हम लोग वहां पे यूज करते हैं, लेकिन आज के डेट में लिमिटेड कुछ नहीं रहा, बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग सोच भी नहीं पाते ऐसी ऐसी चीजें अवेलेबल होती है। ठीक है, तो वेबसाइट बिल्डर के थ्रू भी हम लोग होस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है शेयर्ड होस्टिंग। ठीक है, शेयर्ड होस्टिंग मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो एक सर्वर, ठीक है, एक अमेरिका में सर्वर है, उस सर्वर ने अपनी होस्टिंग फैसिलिटी हमें दी है। ऐसा तो नहीं है कि वो सर्वर सिर्फ एक ही वेबसाइट के लिए यूज हो रहा है, वो होस्टिंग जो है वो दुनिया में हजारों लोग यूज कर रहे होंगे। जैसे मान लो मैंने एक कंप्यूटर लिया, ठीक है, एक कंप्यूटर को मैंने सर्वर बना दिया और इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और उसमें उसमें 100 TB, ठीक है, 100 TB का अब मैंने हार्ड डिस्क लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि 100 TB को 1,000 लोगों को मैं बांट दूँ, तो मैं कैसे करूँगा? मैं एक होस्टिंग प्लान क्रिएट करूँगा और होस्टिंग सर्विस से वहाँ पे मैं रजिस्टर करूँगा। तो मैं अपने 100 TB में 1,000 वेबसाइट को मैं होस्ट कर सकता हूँ। सबको मैं वहाँ पे 10-10 GB का स्पेस दूंगा, 10-10 GB, या फिर मैं ऐसे इस टाइप का 10-10 GB का मैं स्पेस दे दूंगा। तो 1,000 लोग को मैं वहाँ पे वेबसाइट होस्ट करने की परमिशन दे सकता हूँ। ठीक है, तो एक सिंगल सर्वर है और एक सिंगल सर्वर को 1,000 लोग यूज कर रहे हैं, मतलब 1,000 वेबसाइट वहां पे होस्ट की गई है, रखी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो होस्टिंग होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं शेयर्ड होस्टिंग। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शेयर्ड होस्टिंग। यहाँ पे देखते हैं, इन ए शेयर्ड होस्टिंग एनवायरमेंट इस सर्वर इज शेयर्ड बाई यू एंड अदर वेबसाइट ओनर्स। दिस इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ फिजिकल सर्वर, शेयरिंग ऑफ फिजिकल सर्वर एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विद इन द सर्वर। ठीक है, अब वहां पे जो सर्वर है वो फिजिकली भी शेयर होगा, मतलब आपको हार्ड डिस्क वहां पे मिल रहा है
और साथ में वहां पे जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो लगा रहेगा वो भी वहां पे शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो शेयर्ड होस्टिंग जो होता है सबसे सस्ता होस्टिंग जो होता है, जो हमने कल प्लान्स देखे हैं वहाँ GoDaddy.com है, GoDaddy.com भी शेयर होस्टिंग ही देता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मार्केट में जितने भी होस्टिंग हम लोग को मिलेंगे सबके सब वो शेयर्ड होस्टिंग ही हम लोग को देते हैं। ठीक है, अगर हम लोग वहाँ पे डेडिकेटेड सर्वर हम लोग लगाना चाहते हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो अगला यहाँ पे है डेडिकेटेड होस्टिंग। इन ए डेडिकेटेड होस्टिंग एनवायरमेंट यू हैव ए कंप्लीट वेब सर्वर। ठीक है, जैसे कि मैं डेडिकेटेड होस्टिंग की बात करता हूँ, मतलब मान के चलो Flipkart.com है। ठीक है, Flipkart.com सभी लोग यूज करते हैं, उसके अंदर इतने सारे प्रोडक्ट लिस्ट है, बहुत सारी सर्विसेज उसमें चलती है। ठीक है, तो Flipkart.com ने ऐसा तो नहीं है कि शेयर्ड होस्टिंग लेके रखा होगा, उसको एक पर्सनल वेबसाइट चलाना है और वो वेबसाइट जो है अपने आप में बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट डॉट कॉम जो है बैंगलोर में अपना एक खुद का सर्वर सेटअप करके रखा हुआ है। ठीक है, उसका जो हेडक्वार्टर है बैंगलोर में, वहाँ पे अपना खुद का वेब सर्वर उसने रखा हुआ है और पूरा एक मान लो 7 मंजिल की बिल्डिंग है, वो पूरा का पूरा सर्वर है। ठीक है, इतना सारा उसमें हार्ड डिस्क लगा हुआ है, इतने सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं जो कि उस वेब होस्टिंग को सिर्फ और सिर्फ Flipkart.com एक वेबसाइट के लिए बना के रखे हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डेडिकेटेड होस्टिंग या डेडिकेटेड सर्वर। ठीक है, दिस अलाउज फॉर फास्टर परफॉर्मेंस एज यू फुल्ली ओन ऑफ द सर्वर रिसोर्सेज विदाउट हैविंग शेयर देम विद अदर वेबसाइट ओनर। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा मालिकाना हक किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट का होता है, और उसकी परफॉर्मेंस जो होती है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, इसीलिए देखना सेल के टाइम पे कभी भी वो वेबसाइट डाउन नहीं होता है। ठीक है, कभी भी वेबसाइट डाउन नहीं होगा। ठीक है, उसमें कितने भी ज़्यादा यूजर्स आ जाए, कितने भी ज़्यादा वहाँ पे उसमें ट्रांजेक्शन्स हो, कोई भी उसमें वो वेबसाइट कभी डाउन नहीं होगा। ठीक है, जैसे बैंक्स के सर्वर होते हैं, जैसे ICICI बैंक है, ये बैंक ने अपना जो होस्टिंग है ठीक है वो डेडिकेटेड लगा के रखा हुआ है। ठीक है, इंडिया का अलग होगा, हर कंट्रीज का अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा हेडक्वार्टर होता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ICICI बैंक के ही वेबसाइट्स को होस्ट किया जाता है और वेबसाइट की सर्विसेज चलाई जाती है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर डेडिकेटेड सर्वर लगाया जाता है, तभी हम लोग देखते हैं कि ICICI बैंक का कभी भी सर्वर डाउन नहीं होता है। ठीक है, इन बहुत वर्स्ट केस ही डाउनलोड होता है, अदरवाइज ICICI बैंक का कभी भी वेबसाइट डाउन नहीं होगा, सर्विसेज उसकी 24/7 जैसा उसने बनाया गया है वैसा ही वो चलता है, कभी भी डाउन नहीं होता। लेकिन अगर हम लोग वहीं SBI की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है लंच टाइम पे डाउन हो जाएगा। ठीक है, बात बात पे बारिश गिरी तो डाउन हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस टाइम वो भी डेडिकेटेड सर्वर लगाए लेकिन उसको अपग्रेड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो बैंक्स हो गए या फिर बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, जो लोग अपना डेटा कहीं पे भी शेयर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसे जो कंपनीज होती है, ऐसी जो वेबसाइट्स होती हैं, वो अपने ही डेडिकेटेड सर्वर को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है को लोकेटेड होस्टिंग। ठीक है, को लोकेटेड होस्टिंग क्या बोलता है, इन दिस टाइप ऑफ होस्टिंग यू विल बाय योर ओन सर्वर एंड इट विल बी हाउस विद इन अ वेब होस्ट फैसिलिटीज। ठीक है, को लोकेटेड मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि मैंने एक कंप्यूटर खरीदा, उसमें 100 TB का एक हार्ड डिस्क लगा लिया। अब वो 100 TB मैं क्या चाहता हूँ कि मैं उस 100 TB को 1,000 वेबसाइट को बांट दूं, मतलब उस वेब सर्वर पे मैं 1,000 वेबसाइट को होस्ट करना चाहता हूँ। अब 1,000 वेबसाइट को मैं कैसे होस्ट करूंगा, इसी प्रकार का एक होस्टिंग प्लान बना लूंगा और इंटरनेट पर डाल दूंगा, लोग हमारे पास आएंगे और उस होस्टिंग को परचेज करेंगे और अपना वेबसाइट को मेरे सर्वर पे होस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, पूरी की पूरी जिम्मेदारी उस 1,000 वेबसाइट की मेरी अकेले की होगी क्योंकि वो सर्वर मेरा है। ठीक है,
वन एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ होस्टिंग सर्विसेज दैट यू हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑन द वेब सर्वर, यू कैन इंस्टॉल एनी स्क्रिप्ट और एप्लीकेशन यू नीड। ठीक है, तो इस प्रकार के को लोकेटेड होस्टिंग का मतलब क्या है कि हम लोग उस पर पूरा का पूरा मालिकाना हक रखते हैं, हम लोग पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकते हैं उस वेब सर्वर को, और उसमें हम लोग कोई भी टाइप की स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी टाइप का एप्लीकेशन हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चार टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है वेबसाइट बिल्डर, सेकंड होता है शेयर्ड होस्टिंग, थर्ड होता है डेडिकेटेड होस्टिंग, फोर्थ होता है को लोकेटेड होस्टिंग। ठीक है, को लोकेटेड होस्टिंग, तो को लोकेटेड होस्टिंग जो है हम लोग अपना खुद का सर्वर बनाते हैं और उससे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स को बांट देते हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी थी वेब होस्टिंग के बारे में।